कैपेसिटर क्या स्टोर करेगा? चार्ज नहीं, अपने आप पैदा कर लेगा, चार्ज भी देना पड़ेगा भाई, चार्ज तो देना ही पड़ेगा। चार्ज कहाँ से लाओगे? हवा में उठा के इलेक्ट्रॉन तो लाओगे नहीं, बीच में क्या अटैच करोगे? बैटरी। बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो क्या स्टोर करती है ना, चार्ज बोला तो यार फिर तो फायदा ही क्या हुआ, फिर कैपेसिटर हुआ वो तो क्या स्टोर करती है? एनर्जी। तुम पानी डालते हो इसमें बैटरीज में, वो एनर्जी बनाती है। चार्ज डालते हो बीच में, मार्केट से चार्ज थोड़ा लाते हो, पानी डालते हो वो एनर्जी बनाती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में बाहर निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो बैटरी एनर्जी स्टोर करती है। अब बैटरी जब हम लेके आते हैं उस पर लिखा भी होता है प्लस माइनस। अब प्लस माइनस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, बड़ा टर्मिनल प्लस है और छोटा माइनस है। पहला रूल क्लियर है? जब मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक बैटरी लेके आया हूँ और इस बैटरी पे लिखा हुआ है 9 वोल्ट की बैटरी है, इसमें टर्मिनल बने भी हुए हैं, पॉजिटिव बड़े वाला और नेगेटिव छोटे वाला। 10 वोल्ट का मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल बड़े पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव छोटे पे होता है। जैसे मान लो नेगेटिव टर्मिनल 0 पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव 9 वोल्ट पे है, तो 9 में से 0 गया, इनका डिफरेंस इज 9 वोल्ट। तो बैटरी अगर 9 वोल्ट की है तो मतलब ये प्लस और माइनस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंट है, V1 एंड V2 पोटेंशियल का डिफरेंस 9 वोल्ट है। तो देखो ये V1 है, ये V2 है, तो V2 माइनस V1 की वैल्यू 10 वोल्ट है। कभी कभी इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी इसको E से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी काफ़ी बुक्स E से रिप्रेजेंट करती हैं। E का मतलब होता है EMF ऑफ बैटरी। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये नामकरण क्यों किया, कोई लॉजिक है इसके पीछे भी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कहाँ से कोई बंदा ढूंढ के लाया, जैसे कोई नाम निकलवा रखा हो और आज EMF रखेंगे, कोई लॉजिक ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस रखे तब भी मानू, EMF का कोई लॉजिक है? वो इलेक्ट्रिसिटी में समझाऊंगा कि ऐसा उसने नाम क्यों रखा था जिस अंग्रेजी रखा है, हमने नहीं रखा ना ऑब्वियसली। तो बैटरी तो वहीं से, सब कॉन्सेप्ट तो वहीं से आ रहा है, कूलम कोलम ने बनाया है, तो वो क्यों रखा वो रीज़न है उसका। फिलहाल ई या वी कुछ भी चलेगा, तो टर्मिनल, ये जो टर्मिनल्स हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस को EMF या V बोलते हैं। अब बैटरी का काम क्या है? देखो बैटरी का ये काम है, जब आप बैटरी लेके आते हैं, बैटरी में हवा में इलेक्ट्रॉन तो ये फेंकती नहीं है, ये क्या करेगी, आप एक बल्ब लेके आए, उस बल्ब को इनके साथ जोड़ के ऑन कर दें। कंपनी वाले क्या करके भेजते हैं, अंदर एनर्जी भेजते हैं ताकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहे। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता है फालतू इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी है। तो जैसे एक वायर बल्ब के साथ कनेक्टेड होती है, यहां से एक्सेस इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करते हैं और प्लस की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, क्योंकि माइनस से प्लस को तो पूरा करना ही है। जैसे इलेक्ट्रॉन भागेगा लेफ्ट तो करंट कैसे जाएगा? राइट। तो इसमें करंट दौड़ना शुरू होगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। तो जब तक ये माइनस प्लस रहेंगे, बैटरी चार्ज रहेगी, तब तक इलेक्ट्रॉन यहां से भागता रहेगा और करंट इसमें दौड़ता रहेगा, तो इसमें बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाता है, पर इलेक्ट्रिक करंट प्लस से माइनस जाता है। तो ये रूल है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। तो अगर मैं एक वायर के साथ इसे कनेक्ट करूं तो करंट हमेशा कहाँ जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट हम इस चैप्टर में करंट स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का अगला चैप्टर है, तो चिंता ना करो इसमें करंट दौड़ने वाला है नहीं। फिर क्या होगा अभी बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर मान लो बहुत सारा चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, मान लो कितना चार्ज आ गया, क्यू चार्ज आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इन टर्मिनल्स के बीच में वी है, तो वर्क डन कितना किया बैटरी ने? देखो बैटरी के पास 10 जूल की एनर्जी है, तो बैटरी चार्ज स्टोर नहीं करती, एनर्जी है वो 10 का 10 का वर्क डन करती जाएगी। क्या करेगी? चार्ज क्यू को इस टर्मिनल से इधर उठा के रखेगी, तो क्यू इंटू वी इज एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगी, वी लिखो ई लिखो कोई फर्क नहीं, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगी चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे उठा के रखने में। तो बैटरी वर्क डन करती है, बैटरी एनर्जी स्टोर करती है, बस ये टॉपिक यही बताता है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि बैटरी चार्ज स्टोर नहीं करती, चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे शिफ्ट करती है, उसके बाद एनर्जी होती है। ठीक, बैटरी जब कनेक्टेड होती है, असली कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमने 10th की थी तो ओम्स लॉ भी किया था और ये सिखाया जाता था V = IR। अब V कोई पूछे क्या होता है, वो बोलते हैं 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है,
एक्चुअल में रूल वो था ही नहीं, रूल तो ये था कि अगर आप एक वायर लेके आए जिसकी रेजिस्टेंस है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये चैप्टर रेजिस्टेंस का है नहीं, रिमाइंड करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ आपको, 10th में ये किया था। अब ये लॉजिक है कि अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दें, चाहे वो बैटरी से करें या कैसे भी करें, मान लो ये हायर है और ये लोअर है, तो करंट दौड़ेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो दौड़ रहे करंट आए, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा कितना, आई आर, वी इक्वल टू आई आर। एक्चुअल में वी नहीं होता, वो पता है क्या होता है, हायर माइनस लोअर पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा वो आई इन टू आर होता है। एक्चुअल में ये लॉजिक है, लेकिन 10th के लोग इसको ना वी लिख देते हैं, वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज आई इन टू आर, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू आई इन टू आर। कोई डाउट इसमें? चलो, मेरे को ओम लॉ पढ़ाना नहीं आपको, मेरे को तो असली चीज़ ये बतानी है कि अगर मान ले आपके पास एक वायर है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको सिर्फ कैपेसिटर करवाने वाला हूँ, रेजिस्टर करवाने वाला हूँ नहीं, तो यहाँ जितनी भी तारें दिखेंगी पूरे चैप्टर में उसकी रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो अगर कोई वायर की रेजिस्टेंस नहीं है तो राइट हैंड टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, तो वी वन किसके इक्वल हो जाएगा, वी टू। तो याद रखना, इस और इस कोने का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है वायर की, तो एक एंड अगर 10 वोल्ट पे है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली 10 वोल्ट पकड़ लेगा, क्योंकि कंडक्टर की सरफेस एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो इधर वी तो उधर भी वी आ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बीच में होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं होगी तो इक्वी पोटेंशियल की वजह से वी एंड वी कर देना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये कॉन्सेप्ट चलता है, वी और वी। आधे लोग तो यही सोच रहे थे क्या चक्कर, आधे लोग तो रट्टा ही मारते हैं, वो कुछ करते ही नहीं, सीरीज पैरेलल ऐसा लग रहा है, सीरीज लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, लगने वाले का तो आंसर ठीक नहीं आते, गलती भी हो जाते हैं, ऐसा ऐसा लगता था 10th में भी ऐसे करते थे, लग रहा है ये सीरीज लग रहा है, इसमें लग रहा है नहीं होता, इसमें लॉजिक होता है, वो लॉजिक है वो आपको सिखाना है, ठीक है? तुक्के थोड़ा मारने सिखाने हैं कि ऐसे लग रहा है तो सीरीज लगा दो, लग रहा है तो पैरेलल, ये कोई लॉजिक नहीं है। अब दिखाता हूँ क्या लॉजिक है। तब कॉन्सेप्ट है सीरीज एंड पैरेलल का,